जी, तो ये लेवल का काम। अभी ये बताइए मुझे कि इसमें तो काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन एशिया टैलेंट बॉम है तो सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ सर आज 9वां दिन है, इससे पहले कभी जीवन में नहीं किया था, आज फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बैंगो जंपिंग कर दिया, प्रॉपर हुआ सर। चलिए तो तीसरे दिन क्या किया आपने? तीसरे दिन सर पावर करी थी रिवॉल्व। चौथे दिन सीपीयू किया था। सीपीयू किया था जी सर। सीपीयू रिवॉल्व किया था कि निकाल के लगाया था, पावर निकाल के लगाया, निकाल के चालू साइड से निकाल के दोबारा लगाया, मतलब एक बार करा था तुक्के में लग गया था कि 10 बार करा था? नहीं सर देखिए पहले 2 बार में लगा था। दो बार में लगा, दो बार तो प्रॉपर पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस से लगा था। तो प्रॉपर प्रैक्टिस से लगा था, तुक्के में तो नहीं लग गया ना? नहीं सर, कोई टीचर ने बिठाया और हाथ पकड़ के लगवा दिया? नहीं सर, प्रॉपर तरीके से अपने हाथ से ही करके लगाया, पहली बार में सेट नहीं हुआ, फिर दोबारा सर ने पूछा, सर ने समझाया, एक बार में लग गया। अच्छा 9 तारीख को फिर से आपका सीपीयू अटेम्प्ट है? यस सर। तो एक्साइटेड हो सर? एक बार में लगेगा इस बार, एक बार में लगेगा, एक बार में। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बोल लेते जाओ, तैयार है तो यहाँ फटाफट फूटी से आते हो, फूटी से एक ही पीछे खाते हो। फिर डालिए सर, मेरे पीसी को चमका दिया करो, उसको पूरा क्लीन कर दिया करो, अपनी पीसी को क्लीन करके लाइएगा प्लीज। जो भी आ रहा है अपने पीसीबी को क्लीन करके लाए प्लीज। तो हमारे साथ स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। नयन दास। नयन दास कहाँ से हो आप? क्या बताना चाह रहे हैं सर? আজকে আমি এই যে বোর্ডের যত প্লাস্টিক কম্পোনেন্ট আছে সব কম্পোনেন্ট কে তুলেছি। কোন সে নিকালে আপনি একটু হাত আগে বাইয়ে স্যার? এই কম্পোনেন্ট এই যে প্লাস্টিক কম্পোনেন্ট মানে ঠিক আছে, এই জোড়া কানেক্ট করে এই দুসা বাইয়ে স্যার, ওই যে কানেক্টরটা চলে ডালিয়ে স্যার জি, ক্যামেরা কানেক্টর ঠিক আছে, আর ইয়া পে ডিসপ্লে কানেক্টর। ডিসপ্লে কানেক্টর হাইলাইট কিজিয়ে স্যার জি, এই ডিসপ্লে কানেক্টর আপনি নিকাল কে লাগায়া? হ্যাঁ। तो सक्सेसफुली तरीके से हो गया आपसे? यस सर। किसी प्रकार का बर्न होगा? नहीं सर। अच्छा हाइब्रिड सिम ट्रे आपने लगाई है? नहीं सर लगाई नहीं। लगाएंगे वो, चलिए अभी लगाएंगे आप। और फिर उसके साथ क्या किया आपने सर? और माइक्रो जम्पर किया। तो आप पहली बार में बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं आप। सर पहले बार अच्छे से नहीं हुआ तो प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा हो जाए। तरीका आया कि नहीं आया? तरीका आ जाए। ये आपने किया है कि दूसरे ने किया? ना ना हमने किया है। आपने किया है ना? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्लीन करके लेके जाना भैया। सब अपनी अपनी पीसी पे तैयार रखिए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार जाना है सर। संजय जी ऐसा क्या क्या किसी में आपने? सर किसी में जितना प्लास्टिक वाला कंपोनेंट है जैसा हाथ लगा के बताइए। ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है ठीक है, ये आपका कैमरा कनेक्टर है ठीक है, इसको मैं उठा दिया था, हाइब्रिड सिम ट्रे भी है पीछे में, इसको पूरा निकाल के मैं फिर से लगाया, कोई भी अच्छे प्लास्टिक वाला कोई भी अच्छे थोड़ा सा भी अच्छे डैमेज नहीं हुआ है। अच्छा और माइक्रो जम्परिंग क्या? हाँ सर माइक्रो जम्पर बताइए। देख सकते हैं आप, इन्होंने बढ़िया तरीके से माइक्रो जम्परिंग किया है। तो इतना सब कुछ एक दिन में सारा का सारा जैसे सर ट्रिक्स, तो आपका जो ट्रिक्स है अपना जो एमडी सर का जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स से तो हम लोग बच्चे इतना तक किया, इसको जितना हम लोग प्रैक्टिस करेगा, जितना हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा काम और भी आएगा। तो जो पहली बार में बताया उससे काम डन हुआ कि नहीं हुआ? सर डन हुआ। कोई भी क्लब कनेक्टर जलाया आपका? नो सर। अच्छा ठीक है, तो तीसरे दिन क्या किया था आपने? तीसरे दिन पावर किया था सर, राइट चालू मोबाइल से पावर निकाल के फिर उसको रिबूट करके फिर बैठा था, चालू हो गया था। डन किया था आपने? डन किया था सर। और चौथे दिन क्या किया था? सीपीयू को फिर उसी फोन से सीपीयू उठा के फिर सीपीयू को रिबूट करके फिर बैठा डन किया था। अच्छा तो ठीक है, और क्या बोलना चाहेंगे? आपकी 9वां दिन की क्लास है आपकी? सर 9वां दिन की क्लास है अपना, इतना जो हम लोगों को जो सर लोग सब इतना ट्रिक्स दे रहे हैं, इतना ट्रिक्स का वजह से हम लोग आज इतना काम कर पा रहा हूँ। अच्छा सर, और वेस्ट बंगाल से, अगर वेस्ट बंगाल से कोई आने का सोच रहा है, आपको देख रहा है लाइव अगर देख रहा है वेस्ट बंगाल से आने का, तो क्या करना चाहिए उन्हें? सर उसको आना ही चाहिए सर, आना क्या सोचने का बात नहीं है सर, यहाँ पे आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कुछ क्या चलता है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। हाँ बहुत तो काम करता है, लेकिन मोबाइल में जो डायरेक्ट जो ज्यादा मोबाइल में मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है जो सर्विसिंग के ऊपर, उसको यहाँ पे आना ही चाहिए सर।
क्या ये ऑनलाइन काम सीखा जा सकता है? हेलो, नहीं सर, ये ऑनलाइन सीखा जा सकता है क्या? कोई भी बताइए मुझे, ऑनलाइन सीख सकते हैं क्या ये? चलिए ठीक है, थैंक यू सर। बंद कर दिया भाई, बंद कर दिया। तो जब तक थिनर वगैरह डाल के चकाचक कर दो, पीसीबी वो पीसीबी अब लाओ तो जरा थिनर से क्लीन करके डालो। क्लीन नहीं है सर। हेलो, देखिए हेलो हेलो, हाँ सही है, हेलो वहाँ तो बोलो, हेलो 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 हेलो। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। सुधीर कुमार जी। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर यूपी से। मुजफ्फरनगर यूपी से। तो सुधीर आपने क्या किया आज? आज मैंने इसमें प्लास्टिक कंपोनेंट सारे निकाले, इसमें जितने भी हैं जी सारे निकाल के। थोड़ा सा बर्न है, ये पहले से था क्या? ये पहले से ही था सर। ये पहले से था, पहले से रिपेयर सेट था, इस पे ही लगा है। अच्छा, रिपेयर डेट पीसीबी पे आपने काम किया सर। ये भी देखो, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और इसके ये लगा हुआ है ऊपर वाली साइड में ये जी, और प्रली साइड में लगभग इसमें 10-12 कनेक्टर थे जी, और ये सिम ट्रे, दोनों सिम ट्रे, अलग से चिप ट्रे, ये सारे निकाल के दोबारा लगाए। हाइब्रिड सिम ट्रे निकाल के आपने दोबारा लगाई जी सर। और साथ में क्या किया आपने? इसे माइक्रो जंपिंग के से लगी ये वाली सर जी, ये और ये। अच्छा, दो माइक्रो जंपरिंग किया जी मैं। पहले ये करके देखिए थोड़ी सी वो है, ये देखो उससे अलग किए। तो ठीक है, इसके पहले ये काम कर पा रहे थे आप? नो सर, कभी नहीं। कभी नहीं किया था? कभी नहीं सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो तीसरे दिन आपने क्या किया था? तीसरे दिन पावर लगाई थी सर। चौथे दिन एमएम वो लगाई थी, सीपीयू, सीपीयू लगाया था जी सर। और आज आपने कोई पीसीबी में ऐसा कंपोनेंट जो आपसे निकालते हो लगा के नहीं आएगा? नो 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 सर, सब लगाए, सब निकाल के सब दोबारा लगाए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। सर को फोन लगा के। तो हमारे साथ स्टूडेंट है जी, क्या किया इसके अंदर आपने? सर मैंने डिस्प्ले कनेक्टर निकाल कर लगाया। ठीक है, डिस्प्ले कनेक्टर हो गया। दूसरा एक कैमरे का कनेक्टर जो है वो भी निकाल कर लगाया। ठीक है, कैमरे का कनेक्टर पहले से नहीं था, बैटरी कनेक्टर पहले से नहीं था। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सिम ट्रे इसमें निकाल कर लगाया जी। ये सिम ट्रे तो बहुत डिफिकल्ट काम है, इसको निकाल के लगाना, नीचे वो प्लास्टिक भी नहीं आता है, ये तो बहुत चांसेस है इसके जलने के। सर नहीं जला सर, 500 हीट पर फुल एयर पर फुल हीट पर निकाला था मैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं जला सर, एमडी सर ने तरीका बताया था, बिल्कुल एक तो भी नहीं डिस्प्ले से। और चाहे तो हमें लाइव में निकाल कर देगा, लाइव में निकाल कर देगा। ठीक है, और आप माइक्रो जंपरिंग किए हो? यस सर जी, बताइए। जैसा आप देख सकते हैं, इन्होंने माइक्रो जंपरिंग भी किया है यहाँ पर, बहुत अच्छे से किया है। चलिए, आपकी हैंड स्किल भी अच्छी सुधर रही है, आपको लाइनों का भी नॉलेज आ रहा है। तो डे बाय डे अगर 27 तारीख से बात करूँ तो आज 6 तारीख हो रही है, 6 तारीख में क्या क्या अचीवमेंट है तुम्हारे पास? लाइनों का नॉलेज है जी सर, कंपोनेंट का नॉलेज है, एक आईसी की क्या रिक्वायरमेंट होगी पूरी करने का नॉलेज है आपको, ट्रेसिंग का नॉलेज है आपको। अगर मैं बात करूँ कि मोबाइल, एक लाइव मोबाइल से आप तीसरे दिन पावर निकाल के मोबाइल चालू करा था? यस सर, करा था। और चौथे दिन क्या किया था? सीपीयू किया था। सीपीयू, सीपीयू किया था, ऑन फोन में से निकाल कर डाला था, ऑन फोन में से निकाल कर डाला था। और आज पीसीबी के सारे, पीसीबी के सारे प्लास्टिक कंपोनेंट निकाले हैं और डाले हैं। और माइक्रो जंपिंग, माइक्रो जंपिंग ये वन शॉट में हुआ, माइक्रो जंपिंग वन शॉट में हुआ। जो बंदे को सबसे माइंड में बड़ा रहता है कि माइक्रो जंपिंग कैसे होगा जी, जो आईसी का ट्रैक कट, जैसे आईसी पैड का ट्रैक उखड़ जाता है, तो माइक्रो जंपिंग करने के लिए बहुत बंदे का हाथ कटती है, जो वन शॉट में वन ट्रिक में हुआ। ठीक है, अदरवाइज तीसरे दिन आपने पावर, चौथे दिन सीपीयू, और आज आप सारे कंपोनेंट निकाल के और लाइनों की सारी समझ आ रही है आपको। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा पीसीबी क्लीन करके दीजिएगा प्लीज। तो हमारे साथ स्टूडेंट है जी, आप अपना नाम बता दीजिए। शुभम सर, आगरा से। शुभम आगरा से। तो शुभम, ओहो क्या कह रहे भाई, पूरी पीसीबी उतार दी तुमने।
कौन कौन से कनेक्टर है थोड़ा गिनवा दो। सिम ट्रे सारे जैक हैं, सारे जैक हैं, वो भी एक भी जला नहीं है, सारी प्लास्टिक कंपोनेंट है। जैसा आप देख सकते हैं सर, थोड़ा थिनर डाल के बताएंगे, थोड़ा इसको एक ही थिनर पर और क्लियरिटी आती है। वेरी गुड, शानदार। तो ये हैंड स्किल, 2 घंटे की क्लास हुई तुम्हारी, 3 घंटे की क्लास हुई तुम्हारी, और इतनी बढ़िया हैंड स्किल। सर आप हैं तो सब कोई मानते हैं। एशिया टेलीकॉम, ये एशिया टेलीकॉम है। एशिया टेलीकॉम अपने स्टूडेंट को बिलीव करवाता है, विश्वास दिलाता है कि वो आएंगे तो कुछ बन के जाएंगे यहाँ से। जी सर, सामने दिख रहा है। अब खैर हालांकि कोई डाउट की स्थिति, कुछ बोलने की स्थिति तो है नहीं इस अंदर कि किसने निकाला किसने करा। सर तो आप बोलोगे तो लाइव भी आप कर देंगे यहाँ पे। तो शुभम ये बताइए, आप माइक्रो जंपरिंग भी किया आपने? जी सर। बताएंगे? जी सर। क्लीन करना बाकी है आपका, बाकी पड़ा थोड़ा सा पास। हाँ ठीक है। तो तीसरे दिन आपने क्या किया था? तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू, और आज? आज तो सब खत्म। सब खत्म, चलिए ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं कमलेश जी से। जी कमलेश बताइए। जी सर, हमने पूरी कवरेजी को प्रैक्टिकल कौन कौन से कंपोनेंट निकाले बताइए, थोड़ा सा हाथ लगा के बताइए, ऊपर हाथ लगा के बताइए। टीवी पे ये निकाला, नीचे वाला ये भी निकाला, बैटरी कनेक्टर क्योंकि ऑलरेडी पहले से जला हुआ था वो, लगाने का तरीका है आपके पास? निकालने का तरीका है? क्या टेम्परेचर से निकालते हैं उसको? फुल में तो किसी में धुआं निकल आएगा। अच्छा, चलिए माइक्रो जंपरिंग किया आप, थोड़ा बताएंगे आप? तीन अच्छा, तो जैसा देख सकते हो ये माइक्रो जंपरिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से किया है आपने। इसके पहले कभी माइक्रो जंपरिंग की थी? नहीं सर, कभी नहीं की। कभी नहीं की? कभी नहीं की। चलिए ठीक है। तो तीसरे दिन क्या किया था आपने? सर पावर ऐसी चार्जिंग स्टेट से पावर निकाल कर प्रति किया था। अच्छा, और चौथे दिन? सीपीयू ठीक है, और लाइनों की समझ कैसी? जो देव सर आपको पढ़ा रहे कैसा समझ? सब बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। और आज सारे कंपोनेंट निकाल दिए? सारे कंपोनेंट निकाल दिए। हेलो सर, मैं अमित जी। सर आज मैं प्लास्टिक कंपोनेंट की हमारी क्लास थी जी, तो सर इसमें हमने कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट लगाए हैं। ठीक है। जैसे कि ये वाला मैंने ट्राई किया था। ठीक है। और इसके पीछे लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए ये भी लगाया मैंने। ठीक है। और एक सर्वो वाला। ठीक है। ये थोड़ा जल गया था साइड से। ठीक है। और पीछे भी लगाया हुआ है ये वाला सर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपने काम किया है इसके अंदर, तो क्या रिजल्ट निकला जो आपके अभी हैंड स्किल कैसी है? प्लास्टिक कंपोनेंट निकालने लगा सर, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी आपकी जो ट्रिक है उससे कंपोनेंट 100% लग जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि प्रैक्टिस से हुए काम मेरा परफेक्ट है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी आपके, क्योंकि आप एसी के नीचे बैठे थे, जो टेम्परेचर बताया था वो सूटेबल नहीं था एसी के अंदर, बार बार वो ठंडा जा रहा था। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट जी सर। और मैंने ये माइक्रो जंपिंग भी की है जी, ये वाला सर मैंने माइक्रो जंपिंग, बहुत बढ़िया किया आपने जी सर। सीपीयू में करा आपने जी सर, ये वाला जी। चलिए ठीक है। तो तीसरे दिन आपने क्या किया था? सर पावर आईसी चालू सेट से पावर आईसी निकाल के लगाना बहुत ही मुश्किल काम है सभी टेक्नीशियन के लिए, हमने मतलब पहली बार में इसे डन किया। ठीक है। और सर बहुत अच्छा लगा हमें। चौथे दिन? चौथे दिन सर हमने
सीपीयू निकाल के लगाया। सीपीयू निकाल के लगाया चालू सेट से, वो चालू सेट से निकाल लिया। सेट चालू हुआ आपका? चालू सेट अभी भी चालू चल रहा है सर। अभी भी चल रहा है जी सर। चलिए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये पूछूंगा कि अगर कोई यूपी से आना चाहता है तो आपके बिहाफ पे आप क्या बोलना चाहेंगे उसको? सर बिल्कुल टेक्नीशियन को आना चाहिए, अगर उन्हें परफेक्ट होना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो अगर परफेक्ट होना है तो आना ही होगा, बाकी काम चलाओ, काम तो हमेशा चलता है। यहाँ के रिजल्ट कैसे है? रिजल्ट सर 100% है। 100% जी सर। इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने माइक्रो जंपरिंग नहीं की हो, क्लास में कंपोनेंट नहीं निकाला हो? सर हमने ये सब यूट्यूब में देखते थे, हमें बहुत कठिन लगता था, सोचते नहीं थे कब ये हम सब कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही ट्रिक हमने सर ने बताई हमें, और बहुत ही आसानी से हमने ये कर पाए, और हम इससे भी अच्छा कर पाएंगे जब हम इसे लाइव करेंगे और सब चालू सेट में हम इसे आजमाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर जी, 40 वॉट इन सर। आज हमारी प्लास्टिक कंपोनेंट की क्लास थी जी, जिसमें हमें ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से प्लास्टिक कंपोनेंट निकाले जाते हैं, किस तरह से माउंट रिमाउंट किया जाता है बिना जले जी, जो हमने आज तक नहीं किया था। हम करते थे तो कंपोनेंट जल जाते थे, धुआं निकलने लगता था जी। लेकिन आज हमने जो काम किया वो हमें भी विश्वास नहीं कि किस तरह से, किस ट्रिक से हो गया ये सर जी। ये सब पीसीबी का पत्ता है, कनेक्टर है जो हमने निकाल के लगाया है। लग नहीं रहा कि आपने इसको निकाल के लगाया। यस सर, ये लग नहीं रहा है सर। ये एशिया टेलीकॉम का ट्रिक है सर जी, जिस तरह से हमने निकाला डाला है जी। और हमने माइक्रो जंपरिंग भी की जी, जो एशिया टेलीकॉम जो ट्रिक्स से सिखाता है सर, वो सक्सेसफुली होना ही होना है सर। इसमें दो है सर जी, ये नीचे वाला मैंने किया है जी, ये वाला। थोड़ा हाथ रख के बताइए कौन सा किया आपने। ये सर, ये वाला। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो तीसरे दिन क्या किया आपने सर? तीसरे दिन पावर निकाले सर। चौथे दिन सीपीयू सर। एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू, तो होता है कि नहीं होता? होता है सर। ऐसा कोई बच्चा इस क्लास में जिससे नहीं हुआ हो? स्टूडेंट नहीं सर, सबका डन हुआ है सर। सबका डन हुआ है, सबका। और आज जो करवाया है सबका डन हुआ है? यस सर, सबका। इसके बाद आपको जो सर्किट का नॉलेज देव सर के द्वारा मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है आपको? सर वो नॉलेज तो ऐसा है कि जिसके बारे में कुछ वर्डिंग नहीं है बोलना, जितना भी नॉलेज है एंड से लेके एंडलेस तक यहाँ पे सब देव सर हमें सिखाते हैं, चाहे कंपोनेंट हो फिर चाहे प्रैक्टिकल हो, दोनों भी सर 100% है। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ये पूरी टीम वर्क है ना? यस सर। यहाँ पर कोई भी एक टीचर पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पर एशिया टेलीकॉम है। यस सर, है ना, एशिया टेलीकॉम है। और जो भी काम आप अगर आप ये कर पा रहे हो तो ये देव सर की बदौलत कर पा रहे हो। यस सर, क्योंकि उनका ही बताया हुआ तरीका है, किस तरीके से करवाना है, कैसे करवाना है, उनके तरीके से ही होता है। यस सर। थैंक यू सर। जी सर, आज हम लोग को एक कंपोनेंट क्लास थी, तो हम लोगों ने कंपोनेंट निकाल के लगाया है का। ये है कंपोनेंट सारा के सारा, सारी बोर्ड में जितना कंपोनेंट था सारा निकाल के मैंने लगाया है अभी जी लाइव। और उसके बाद मैंने माइक्रो जंपरिंग की है सर सीपीयू में। ये है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सर। तो जी इसके पहले ये काम करते थे आप? नो सर, इसका कोई नॉलेज ही नहीं था सर। इसका कोई नॉलेज नहीं था? नो सर। तो चलिए ठीक है, अमेजिंग वर्क किया आपने, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत की आपने, अमेजिंग वर्क किया है। अब ये बताइए तीसरे दिन क्या किया था आपने? सर तीसरे दिन पावर निकाला। चौथे दिन सीपीयू सर। सीपीयू डन हुआ था आपसे? सर डन हुआ था। एक बार में डन हुआ था? दोनों। और आज ऐसा कोई कंपोनेंट जो आपको माउंट रिमूव करते नहीं आता हो, क्लासिक कनेक्टर की बात करें, हाइब्रिड सिम ट्रे की बात करें? नो सर, वो आपके सामने लाइव है सर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो है सिम ट्रे वगैरह कोई भी सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर हैं, फुल हीट पे निकाला है सर, 500 हीट पे निकाला। तो देव सर का वचन है कि आप 500 के टेम्परेचर और फुल हीट पे आप निकालेंगे, तो जो देव सर ने बोला था 26 तारीख को कुछ गलत बोला था क्या? नो सर एकदम राइट बोला था, जो कि लाइव हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को जी। सर कुछ नहीं होता यहाँ पर, और जितना भी काम हो रहा है देव सर के माध्यम से हो रहा है। आप थैंक्स देव सर को बोल सकते हैं, एशिया टेलीकॉम को बोल सकते हैं। थैंक यू देव सर, थैंक यू।
माइक्रो जंपिंग जी। मैं गणेश महाराष्ट्र से। जी गणेश बताइए आपने क्या 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 बताना चाहते हैं आप बताइए। हमारे यहाँ क्लास थी इसके प्लास्टिक कंपोनेंट की कनेक्टर की उसको निकाल कर फिर रिमाउंट किया। किसको निकाला भाई ये तो कंपनी जैसा लगा हुआ है। हाँ सर एशिया टेलीकॉम की ट्रिक है सर और उससे एक 500 फुल एयरो फुल हिट से हमने निकाले सब कंपोनेंट और फिर रिमाउंट किया और माइक्रो जंपरिंग भी की है मैंने कुछ। जी सर बताइए जरा कुछ वैसे रखे है दिखाने के लिए। अच्छा ये फुल हीट और फुल एयर से निकाले हुए है सर कनेक्टर हाइब्रिड सिम सब एक तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब आपके प्लास्टिक कंपोनेंट जल रहे हैं? नहीं सर नहीं जल रहे किसी प्रकार से जल रहे हैं क्या? नहीं सर और ये भी बिठा सकता हूँ लाइव बिठा सकता हूँ ये सर सब लाइव बिठा सकते हो आप। हाँ चलिए ठीक है माइक्रो जंपरिंग किया आपने। हाँ लगा के भूल गए क्या तुम? नहीं नहीं सर यार यही वही वही है वही है यहाँ पे सीपीयू को कौन टाइम है सोपी सीपीयू को कौन टाइम है वो भी हाँ उंगली रखो उसके ऊपर माइक्रोस्कोप पे ले जाओ तुम्हारी उंगली देख सकते हैं आप यहाँ पर पहली बार में सक्सेसफुल हो गया था। पहली बार में सक्सेसफुल हो गया था पहली बार में इससे पहले नहीं किया था कभी अभी नहीं किया था नहीं। अभी अगर आईसी निकालने में सीपीयू निकालने में पेड़ अगर टूट जाएंगे तो बना सकते हो 100% बना सकते हैं। कौन से वीडियो का जंपर लगेगा कौन से एमएम का जंपर लगेगा कौन सा ग्लू लगेगा आपको सुखाने के लिए क्या चीज चाहिए आपको लाइट कौन सा चाहिए ये सारा नॉलेज है सब नॉलेज है। ये तुमने लगाया कि कोई टीचर ने लगाया? नहीं नहीं सर मैंने खुद लगाया। चलिए ऑल द बेस्ट। तीसरे दिन क्या किया था आपने? और तीसरे दिन पावर लाइव मोबाइल से निकाल के फिर रिमाउंट की थी और दो बार में ही सक्सेसफुल हो गया था। अच्छा सीपीयू सीपीयू चौथे दिन किया था। चौथे दिन किया था सीपीयू डाउन हुआ था आपसे? हां पहले फर्स्ट टाइम ही हो गया था। फर्स्ट टाइम ही हो गया था। चलिए ऑल द बेस्ट। आगे सर आगे अरे फोन लगा ना हमको यार सर अरे श्याम ये पकड़ना मोबाइल सुबह मोबाइल पकड़ना। चलिए तो हमारे साथ स्टूडेंट है जी बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैंने आज डिस्प्ले कनेक्टर ये तो निकला हुआ दिख नहीं रहा है संबंधित जितना हुआ कनेक्टर ये तो निकला हुआ दिख नहीं रहा है आप से लगाया है ये तो निकला हुआ दिख ही नहीं रहा ऐसा लग रहा है कंपनी से ही लगा हुआ है। निकाल के फिर से लगाया है। निकाल के फिर से लगाया आपने? यस सर मैंने उसने पहले लाइव में दिखाया हुआ था जो निकाले हुए हैं और इसमें सिम जैक भी निकाल के फिर से लगाया। अच्छा सिम ट्रे भी निकाली आपने? यस सर हाइब्रिड सिम ट्रे। यस ये तो जली जाती होगी यार? नहीं जली नहीं जलती। 500 के हिट पे निकाला है। 500 के हिट पे निकाला जी। माइक्रो जंपरिंग की हो तुम? यस सर बताइए। कहाँ गया आपने? सीपीयू में गया? एमएमसी में गया? सीपीयू में गया। नीचे 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 बुरा 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 अरे पीछे पीछे पर पहले देख लिया करो यार कितना डालो उसमें आप जैसा देख सकते हैं ये इसके पहले कभी किया था? 9 साल। चलिए और तीसरे दिन क्या किया आपने? लाइव पावर लगाए थे निकाल। चौथे दिन सीपीयू का काम सीपीयू किया था और अभी लाइनों का नॉलेज जो देव सर से मिल रहा है आपको सेक्शन वाइज जैसे मैं बैटरी सेक्शन की बात करूं ग्राफिक सेक्शन की बात करूं लाइट सेक्शन की बात करूं तो कैसा मिल रहा है नॉलेज आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है नॉलेज जैसे टेलीकॉम बहुत बढ़िया देता है तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे डाउट क्लियर हो रहे हैं? चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट। नमस्ते सर। नमस्ते
सर आज मैंने सर प्लास्टिक के जितने गैटर होते हैं जी उसको निकाले सर फिर लगाए सर जी और फिर सर पूरा परफेक्ट एकदम निकला सर परफेक्ट लगा सर। अच्छा बताइए पीछे पलटा के बताइए सर पीछे ये हाइब्रिड सिम ट्रे यस सर ये इसको भी निकाले सर और इसके अंदर सब की प्लास्टिक और फिर पैक अच्छा उसकी ट्रे आती है जो यस सर ट्रे सोल्ड करी होती है केप आती है लोहे की यस सर या केप अलग करी आपने और अंदर की ट्रे अंदर का सब प्लास्टिक की होती है वो ट्रे को भी बाहर निकाले भी निकाले सर वो भी प्लास्टिक चालू मोबाइल पे करना है काम उसके थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है 2 महीने प्रैक्टिस करना है उसके बाद काम करना है यस सर तो बहुत कमाई वाला काम है यस सर एकदम अच्छा परफेक्ट हुआ सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर माइक्रो जम्परिंग यस सर बताइए चलो जिनका हो सर जी सर माइक पे जी जैसा देख सकते हैं यस सर उन्हें ला के बताइए आप ये कराओ सर यहाँ पर यहाँ पे सर ये क्या है जलेबी वगैरह भी अच्छी बनाई हूँ यस सर तो पहली बार में जलेबी बन गई आप यस सर थोड़ा सा समर रहा सर लेकिन बन गई सर फर्स्ट टाइम सर अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी होगा सर कोई ट्यूजर खरीदी होगी 500 रुपए की 500 रुपए की नहीं 1000 रुपए की कुछ नहीं सर जो नंबर से आती जो दास से लोग सवाल फंस जाते हैं निमंत्रण वो मान लो एक इस चलो आ दो चलो और कोई है रेडी सबका हो गया क्या ये बचा है क्या यस सर तो मैट्रिक एंट्री में जाना है जी नाम बताइए अपना सर मेरा नाम आकाश कुमार है यूपी रामपुर से आकाश कुमार 28 जून की बीएस से हो आप और कनेक्टर कौन सा निकाले भाई आपने सर आज मैंने ये आपको दिख रहा है तीनों कनेक्टर निकाले हैं शाम से थोड़ी बिजी में खड़े रखो ना तीनों कनेक्टर निकाले हाथ आगे भाई पीछे 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 ये निकाला कनेक्टर मैट्रिक एंट्री में निकाला था और मिल कनेक्टर निकाला है तीनों कनेक्टर निकाले जी हाँ और इसके पलट के एक सिम ट्रे भी निकाला था हाइब्रिड सिम ट्रे भी निकाला ये हाँ ये निकाल के दोबारा लगाया सर अच्छा इसके इधर रखा है फोन माइक्रो जम्परिंग किए थे आप हाँ सर माइक्रो जम्परिंग भी किया है वो उसका दूसरा बोर्ड है सर दूसरा बोर्ड है जी ये सर माइक्रो जम्परिंग है यस जी ये सर जलेबी बनाया है जी जी जो इसके पहले एलो ही देते नहीं सर उसको आकार दिया चले जी सर ये सब ट्रिक मिला सर हमारे देव सर के माध्यम से इसी डेलो को अपना आज से पहले ये कभी नहीं किया इसलिए मैं तो सभी लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग मोबाइल इंडस्ट्री में उतर रहे हैं या जो आजकल काम कर रहे हैं ये जो जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ वो शायद कुछ नहीं जानते हैं कुछ नहीं जानते ठीक है यहाँ से अब समझ लो स्टार्टिंग है थैंक यू चलो कोई रेडी है और कोई रेडी है चलिए तो हमारे साथ स्टूडेंट एक और है जी सर मैं सर ये कुछ सर प्लास्टिक कंपोनेंट निकाल के फिर स्पेशल कोई निकला हुआ दिख नहीं रहा है सब ऐसा फ्रेश दिख रहा है हां सर 1 2 3 4 4 8 घंटे की क्लास चलती है
12 घंटे है क्लास। यस सर। तो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा, किस किस लिए करा ये? यस सर। करा? यस सर। एक बार करा कि बार बार करा? बार बार करा। कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? परफेक्ट। तो सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर। यस सर। तीसरे दिन पावर किस किस लिए करा था? यस सर। सबने किया था? यस सर। और चौथे दिन आपका सीपीयू? यस सर। तो चौथे दिन सीपीयू सबका डन हुआ? यस सर। सबका? यस सर। आवाज नहीं आई? यस सर। यस सर। तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। तो ये प्रोसेस आप कितनी बार की हो सर? आज ईमानदारी आज मेरा तीसरा चौथा दिन है एशिया टेलीकॉम जवान होते हुए। आज मैंने 6E 6E 4G मोबाइल को सीपीयू निकाल कर और डाला, ऑन भी हो गया, ऑन बोर्ड में से निकाल कर डाला हूँ, प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया। कितने बार मजा रन हुआ सर? वन टाइम में। पहले फ़ोन चालू था ऑन था। और आपने सीपीयू को माउंट माउंट किए? यस। फ़ोन फिर से चालू हो गया? यस। तो ठीक है, थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम का IMD सर को भी, प्रैक्टिकल कराने वाले सर को भी थैंक यू, सारे सर को थैंक यू, एशिया टेलीकॉम को थैंक यू दे देते हैं। आज हमारा चौथा दिन था एशिया टेलीकॉम में। आज हमने मॉर्निंग में सीपीयू रिबॉलिंग का, माउंट रिमाउंट का प्रैक्टिस किया पहले। बाद में हम लोग ने चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाला और वापस से हमने रिबॉलिंग करके लगाया और ये हमारा जॉब डन हो गया। आज तक हमने सीपीयू पे कभी काम नहीं किया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक ही बार में डन हो गया सीपीयू। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर और थैंक यू MD सर। जी बताइए सर। आज 4G हैंडसेट से क्लास का चौथा दिन था सर। 4G हैंडसेट से हम लोगों ने CPU निकाला सर और यूनिवर्सल से रिवॉल्व करके डाला तो चालू हो गया सर। अच्छा, यूनिवर्सल हैंडसेट से रिवॉल्व किया आपने? यस सर। कितने बार मुझे डन हुआ आपसे? पहले बार में डन हुआ। फर्स्ट टाइम में ही कर ली? यस सर। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू। जी बताइए। हम MI6 से सीपीयू निकला, सीपीयू निकला, रिबूल करा, ऑन। पहले फ़ोन चालू था आपका? समझा। फोन चालू आपने क्या माउंट सीपीयू माउंट की माउंट किए? फोन चालू है? फोन चालू है अभी भी। फोन चालू है? फोन चालू है। कितने बार मुझे ऑर्डर हुआ आपका? एक बार में। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, आज मैंने MI4 से मेन चिप निकाला था, फिर रिबॉलिंग किया, फिर माउंट किया, अभी मेरा फ़ोन चालू हो गया है। कितने बार मुझे अपडेट हुआ सर? एक बार में ही हो गया। जी सर। कॉन्फिडेंट लेवल का जब हो रहा है? बहुत सर, 100% सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। जी बताइए, क्या किया आपने? सर आज CPU को अनमाउंट किया था, फिर उसको रीमाउंट किया, उसको रिवॉल्व करके। जी। और फ़ोन चल रहा है? सीख से है। यस सर। क्या क्या CPU को निकाल के माउंट रिमाउंट किए हैं? जी सर, उसको रिवॉल्व चालू था। यस सर। फिर भी फ़ोन चालू हो गया? यस सर। कितने बार मुझे ऑर्डर हुआ सर? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ही हो गया? यस सर। ठीक है, थैंक यू।